जय श्री श्याम। अष्टमी और नौमी नवरात्रों की बस आने ही वाली है। अब हम सबके घर में कोई अष्टमी करता है, कोई नौमी, पर काले चने तो सभी के घर में बनते हैं और जो प्रसाद में हम लोग कन्या पूजन में सबको भोग में ज़रूर देते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ काले चने की रेसिपी, जिस तरह मैं बनाती हूँ। और ये चने जो मेरे बनते हैं बहुत ही सौंधी सौंधी सी स्मेल आती है और बहुत टेस्टी बनते हैं। वैसे तो प्रसाद है सभी के ही बहुत टेस्टी बनते हैं, पर सबका कुछ अलग अंदाज होता है, सबका ही कुछ डिफरेंट स्टाइल होता है। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी स्टाइल, अपने अंदाज में आपके संग काले चने की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर कि मैं काले चने की रेसिपी किस तरह बनाती हूँ। माता का महाप्रसाद बनाने के लिए मैंने काले वाले चने लिए थे और इसको अच्छे से वॉश करके 4 ग्लास पानी डाल करके ओवरनाइट इसको सोक होने के लिए रख दिए थे ताकि अच्छे से फूल जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग चने हमारे अच्छे से फूल गए थे। फिर मैंने कुकर में पानी चेंज किया, 2 ग्लास फ्रेश पानी डालकर पिंच भर सोडा और थोड़ा नमक डाल करके मैंने बॉईल ले लिया। ये देखिए मेरा चना जो है वो परफेक्टली सॉफ्ट हो चुका है। अब पानी मैंने अलग कर दिया था और चने को मैंने एक बाउल में अलग रख लिया था। अब चने हमारे बॉयल हो गए थे। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं ऑयल की जगह। अब जब ऑयल हमारा गर्म हो गया, फिर मैंने ऐड किया यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा। फिर ऐड करूँगी यहाँ पे हींग। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और फिर मैंने यहाँ पे लिए 4 हरी मिर्ची और इसको बीच से स्लिट करके अब वो ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हरी मिर्ची जब हमारी अच्छे से सीख जाएगी, फिर मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी चना जो मैंने बॉईल किया था। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे कोई भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। वो क्यों नहीं कर रही हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे चने सारे ऐड करूँगी और इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लूँगी। माता के प्रसाद को बहुत टेस्टी और सौंदा सौंदा बनाने के लिए यहाँ पे जो मैं मसाले ऐड करूँगी ना, वो सब ऊपर से ऐड करूँगी और वो भी रोस्ट करके। मैंने यहाँ पे धनिया लिया था, फ्रेश खड़ा धनिया, उसको हल्का सा सेक करके मैंने खड़ा खड़ा देखिए मैंने ऐसे पीस लिया था। अब मैं वो धनिया यहाँ पे ऐड करूँगी। 2 स्पून धनिया पाउडर इस तरीके से मैंने ऐड किया। इससे जो हमारे चने का टेस्ट भी बढ़ जाता है और उसकी खुशबू सौंधी सौंधी सी आने लगती है। ऐसी सेम मैंने लाल मिर्चा ली थी, फ्रेश लाल मिर्चा मैंने पीस करके मैंने वो ऐड करी। अब थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये मसाले जो मैंने ऊपर से ऐड किए ना, ये एकदम बहुत देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैं यहाँ पे आधा नींबू लूँगी और नींबू का रस डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर हम लोग अब चौक बनाते हैं ना, उसी टाइम पे अगर मसाले ऐड कर देंगे तो वो जो मसाले होते हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो खाने में इतना मज़ा नहीं आता जो इसमें आता है। अब थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, अब थोड़ा धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी और ये लीजिए हमारे सौंधे सौंधे से बहुत टेस्टी चने बन के रेडी हो गए। अब इसको जस्ट थोड़ी देर में और अच्छे से भून लूँगी और फिर माता का महाप्रसाद के लिए चना बन के रेडी हो गया। एक बार फ्रेंड्स आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा, देखिएगा इस तरीके से आप बनाएंगे ना, आपके चनों से खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत सौंधे सौंधे बन के रेडी होंगे। अब मैंने इसको गैस बंद करके 2 से 3 मिनट कवर कर दिया था ताकि जो मसालों की खुशबू है ना वो चनों के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे परफेक्टली चने विद इन 10 मिनट्स बन के रेडी हो गए। बस ध्यान रखिएगा जो मसाले आप ऐड करेंगे ना, धनिया मिर्चा, वो फ्रेश रोस्टेड ही ऐड करिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मसालों की कोटिंग आई है ना हमारे चनों के ऊपर, वो कितनी बढ़िया आई है। इसी वजह से मैंने सारे मसाले फ्रेश रोस्ट करके थोड़े खड़े खड़े जो मैंने ऐड किए हैं ना, ये कोटिंग उसी की वजह से आई है। और वाकई में इससे टेस्ट, फ्लेवर, स्मेल सब इन्हेंस हो जाता है। तो अब की नवरात्रों में आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा चने की रेसिपी और बच्चों को भोग में आप ज़रूर प्रसाद के रूप में दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे परफेक्ट चने यहाँ पे बन के रेडी हो गए। मसालों की कोटिंग कितनी एकदम ज़बरदस्त लग रही है और देखने में जितने खूब टेस्टी लग रहा है ना, वो खाने में भी वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। इस तरीके से मैंने बनाए आज माता के लिए प्रसाद में चने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ कुछ नई रेसिपी के संग, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय श्री श्याम।